पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस छोड़ने की अटकलें जारी हैं। इस बीच अमरिंदर सिंह गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे और दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। माना जा रहा है कि शाह ने अमरिंदर से बीजेपी में शामिल होने पर चर्चा भी की। अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार ने बताया कि पूर्व सीएम ने अमित शाह से मिलकर किसानों से जुड़े मुद्दे पर बात की है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच कृषि कानूनों को लेकर जारी प्रदर्शन पर बात हुई। कैप्टन ने शाह से जल्द इन कानूनों को वापस लेकर MSP लागू करने की मांग उठाई। इसके अलावा पंजाब में अलग अलग फसल उगाने पर जोर देने की भी अपील की। इस बीच कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि अमरिंदर सिंह दिल्ली में कांग्रेस के बागी G23 गुट के नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अमरिंदर सिंह को केंद्रीय कृषि मंत्रालय भी सौंप सकती है और इसके बाद पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह या तो कृषि कानूनों को लेकर किसानों की समस्या को सुलझाने के लिए आगे आ सकते हैं या कृषि संगठनों से बातचीत करने का जिम्मा लेकर राज्य में एक बार फिर बीजेपी को चुनावी दौड़ में ला सकते हैं। अपनी इस पहल के जरिए कैप्टन पंजाब में बीजेपी का चेहरा भी बन सकते हैं।